अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमन खान यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है सैंडविचेस की। आप लोग जो ऐसे रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सैंडविचेस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और आप लोग इसे रमज़ान में ईजीली बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने मायो वेजिटेबल सैंडविचेस बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने जो जो वेजिटेबल्स लिए हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। गोभी मैंने लिया है 1 कप, एक गाजर लिया है मैंने जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ है, एक खीरा मैंने लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, और एक शिमला मिर्च मैंने लिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसके अलावा जो कोई और वेजिटेबल आपको पसंद है आप लोग इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं, और इसमें से जो आप लोगों को पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे बंद गोभी, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे शिमला मिर्चें। सब्जियों को जो है आप लोगों ने बारीक काटना है, क्योंकि हम लोगों ने इन सब्जियों को फ्राई भी नहीं करना है, इसी तरह से तैयार करना है। इसलिए अगर आप लोगों की सब्जियां मोटी कटी भी होंगी तो वह सैंडविचेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। गाजर ऐड करेंगे, खीरे ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों को। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और मायोनीस ऐड करेंगे 4 से 6 टेबल स्पून। मायोनीस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया है 6 टेबल स्पून। अभी सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने सारे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग जो है इसे 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इसे स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना है एक कंटेनर में करके, और फिर जब आप लोगों ने सैंडविचेस बनाने होंगे इसे फ्रिज से निकाल के और इजीली सैंडविचेस बना सकते हैं। तो चलिए सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्रेड की स्लाइस लेंगे, इनके किनारों को कट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर मक्खन अप्लाई करेंगे।